में पिगमेंटेशन भी मैं आपको यहाँ पे इनकी दिखा देती हूँ। वाओ OMG, आप देख सकते हो कितने। और यहाँ पे आपको 48 आई शेडोज मिल जाते हैं, 4 ब्लश मिल जाते हैं, 2 कॉम्पैक्ट मिल जाते हैं। ये मुझे मीशो से मिला है 110 रुपीज में। इसमें आपको मिल बहुत ही ज्यादा क्यूट सा ना ब्यूटी ब्लेंडर का सेट, कुछ ऐसी वाली क्यूट सी पैकेजिंग में मिल जाता है। बिल्कुल भी प्लास्टिक की नहीं लगती, थोड़ी सी लंबी एंड थोड़ी सी वॉल्यूमनाइजिंग आई लैशेज है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूम जोन, एंड मैं हूं महबीश। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सो आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा धमाकेदार एंड ह्यूज 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 मीशो मेकअप हॉल। एज यू गाइस नो कि मीशो पर आपको बहुत सस्ते में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, बट हर बार ऐसा नहीं होता कि सस्ते में अच्छे प्रोडक्ट्स ही मिले। आपको ना अपना बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाकर ना आप सस्ते में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। तो मैंने ना यहाँ पे अपना बहुत ज्यादा दिमाग लगाया है और मैं बहुत सस्ते में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना, एंड वीडियो अच्छी लगे पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, और प्लीज 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 लाइक के बिना नहीं जाना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो आज का जो सबसे पहला प्रोडक्ट है मेरे पास वो है रॉन्जिला कॉस्मेटिक का ग्लास मेकअप ऑयल, और ये मुझे मीशो से मिला है ओनली 152 रुपीज में। दिस इज हाउ इट लुक्स, और मैंने ना अपना बेस बनाने से पहले इसी को यूज किया है, एंड ट्रस्ट मी गाइस दिस इज अमेजिंग। इसकी कंसिस्टेंसी आपको कुछ इस तरीके की मिल जाती है। ये ना ऑयल बेस का प्राइमर है, अगर आपके फेस पे ना फाउंडेशन लगाने के बाद पैचेस पड़ जाते हैं ना, वो ड्राई ड्राई लगता है आपका बेस, तो आप इसको यूज कर सकते हो अपना बेस बनाने से पहले। बहुत ज्यादा स्मूथ कर देगा आपके फेस को, आप देख भी सकते हो कितना ज्यादा नरिशिंग लग रहा है मेरा हाथ यहाँ पर। आप ना इसको एज अ सीरम भी यूज कर सकते हो और एज अ प्राइमर भी यूज कर सकते हो, एंड इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा अच्छी है। मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन किसकी तरह है, बट बहुत अच्छी लगती है। सो उसके बाद है मेरे पास ये 5 पेयर आई लैशेस का सेट, इसके साथ आपको मिल जाता है एक आई लैश ग्लू, और ये मुझे मीशो से मिला है 199 रुपीज में। इनकी जो क्वालिटी है ना ट्रस्ट में मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी आई लैशेस की। ये ना थोड़ी सी लंबी एंड थोड़ी सी वॉल्यूमनाइजिंग आई लैशेस है, सुपर डुपर सॉफ्ट है, बिल्कुल भी प्लास्टिक की नहीं लगती। और ये वाला जो आई लैश ग्लू है ये 50 रुपीज का मिल जाता है लोकल मार्केट में, तो मुझे ठीक लगता है, मैं काफी ज़्यादा यूज़ करती हूँ इसको भी। सो आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको लेनी है ना थोड़ी सी वॉल्यूमनाइजिंग एंड लॉन्ग आई लैशेस, सो गो फॉर इट गाइज, आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। उसके बाद है मेरे पास यहाँ पर ये फैब सीक्रेट का आई शेडो पैलेट, जिसमें ना आपको बहुत कुछ मिल जाता है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग ऐसी मिल जाती है, अभी तक मैंने इसको रिमूव नहीं किया है, सो यह रिमूव कर दिया। दिस इज सो प्रिटी, काफी ज्यादा शाइनी सी है। सो ओपन करने के बाद ना यहाँ पे आपको मिल जाता है एक फुल साइज का मिरर और एक स्पॉन्ज टिप एप्लीकेटर, और यहाँ पे आपको 48 आई शेडोज मिल जाते हैं, 4 ब्लश मिल जाते हैं, 2 कॉम्पैक्ट मिल जाते हैं। कॉम्पैक्ट हल्के से शिमरी हैं बट पिगमेंटेड है, फेयर स्किन के लिए ठीक ठीक है। और यहाँ पे 4 ब्लश मिल रहे हैं ऑरेंज एंड पिंक एंड रेड टोन में, ये देख सकते हो काफी ज्यादा पिगमेंटेड है ये भी, यस बहुत पिगमेंटेड है। आई शेडोज में ना गाइज आपको मोस्टली यहाँ पे ना शिमरी आई शेडोज ही मिल रहे हैं, मैट तो इसके अंदर है ही नहीं ये देख सकते हो, बट ये भी काफी ज्यादा पिगमेंटेड है, काफी ज्यादा ना क्रीमी सा बटरी सा टेक्सचर है इनका, बिल्कुल फॉइल आई शेडोज जैसे लग रहे हैं ये। ये हमारी पहले आई शेडोज जो आती थी ना ये वो वाली है, तो मैंने सोचा चलो इसको ट्राई करते हैं। तो पिगमेंटेशन है आप देख सकते हो बिल्कुल ऑन पॉइंट है। सो ये मुझे मीशो से मिली है 263 रुपीज में, तो आपको इसमें ब्लश भी मिल रहे हैं, कॉम्पैक्ट भी मिल रहा है, आई शेडोज भी इतने सारे मिल रहे हैं, जिनके साथ ना आप एक अच्छा खासा आई मेकअप अपना फुल फेस मेकअप ही कर सकते हो। तो 263 रुपीज के हिसाब से मुझे ये काफी ज्यादा अच्छी लगी। सोया उसके बाद है गाइस मेरे पास यहाँ पे अनदर अमेजिंग प्रोडक्ट, और वो ही किस ब्यूटी का ब्लशर। तो ये जो शेड है वो है 04, मैंने 04 शेड इसलिए लिया बिकॉज मुझे इसको एज अ ब्रॉन्जर यूज करना था। मेरी स्किन पे ना ब्रॉन्जर बहुत ज्यादा सूट करते हैं, इनका टेक्सचर बहुत ज्यादा बटरी स्मूथ है आप देख सकते हो। तो अगर आप भी यू नो फेयर टू मीडियम स्किन टोन के हो ना, तो आप इस शेड को ना एज अ ब्रॉन्जर यूज कर सकते हो अपने फेस पे। ये ना आपको एक नेचुरल सा ना सन किस्ड वाला लुक दे देगा फेस पे लगाने के बाद, बहुत अच्छा सा नेचुरल टोन का ब्रॉन्जर का काम करेगा ये आपके फेस पे। पैकेजिंग बहुत ज्यादा क्यूट है। सो ये मुझे मिला है 179 रुपीज में, तो मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत क्यूट सा है, आई लव दिस। उसके बाद है गाइस मेरे पास यहाँ पर ये मेकअप फिक्सर, और ये है रॉन्जिला का मेकअप फिक्सर, काफी ज्यादा छोटू सा मिल गया मुझे ये और ये मीशो से मिला है ओनली 123 रुपीज में। सो मैंने ना अभी तक इसको यूज नहीं किया है, सीधा मेरे मुंह पे ही आ गया।
फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी है, और आई डोंट नो कि ये मेकअप को कितने अच्छे से फिक्स कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जब मैं इसको यूज़ करूँगी तब पता लगेगा। उसके बाद है गाइज मेरे पास यहाँ पे माई पर्सनल फेवरेट, इस हॉल का सबसे फेवरेट प्रोडक्ट, और वो है ये SFR की लेवेंडर आई शेडो पैलेट, जिसको मैं बहुत टाइम से लेना चाहती थी। और इसकी पैकेजिंग आपको कुछ इस तरीके की मिल जाती है, बहुत क्यूट सी अंदर से भी एंड बाहर से भी, बहुत ज़्यादा प्रिटी है, लेवेंडर कलर है, पूरे थीम के साथ मेरे यहाँ पे ये मैच हो रही है। इसमें आपको मिल जाते हैं टोटल 21 आई शेडो, जिसमें मैट है, शिमर्स है एंड प्रेस ग्लिटर है, और ये मुझे मीशो से मिली है 124 रुपीज में। पिगमेंटेशन भी मैं आपको यहाँ पे इनकी दिखा देती हूँ। सो वाओ, OMG, आप देख सकते हो कितने ज्यादा पिगमेंटेड है। मुझे ना SFR के जो आई शेडोज है ना पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बिकॉज इनकी पिगमेंटेशन देख सकते हो बहुत अच्छी होती है, हल्के से पाउडरी है बट इट्स ओके, ये ब्लेंड करने में बहुत ईजी हो जाएगा इनसे। सो इनके जो ये प्रेस ग्लिटर है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वाओ, देख सकते हो कितनी अच्छी शाइन है, सारे कलर्स का मन कर रहा है ना मैं स्वॉच दिखाती ही जाऊं, ये देख सकते हो आप। सो इस पैलेट को मैं यूज करने के लिए ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और इसके साथ ना बहुत अच्छे अच्छे आई लुक्स क्रिएट हो सकते हैं, एंड इसकी पिगमेंटेशन जस्ट वाओ यार, मतलब मजा ही आ गया। सिर्फ 224 रुपए में इतनी अच्छी पैलेट मुझे मीशो से मिल गई। उसके बाद है मेरे पास ये M&M का ग्लो एंड ग्लो हाइलाइटर पैलेट, इसमें जो मेरा शेड है वो है 03, ये मुझे मीशो से मिला है 110 रुपीज में। इसमें आपको मिल जाते हैं टोटल 4 कलर के हाइलाइटर, जिसमें है ब्रॉन्जी, सिल्वर, गोल्ड एंड ये पिंकिश टोन का हाइलाइटर है। ये पिगमेंटेड है बट उतने ज्यादा ना मुझे ये शिमरी नहीं लगते हैं, टू बी ऑनेस्ट। आप देख सकते हो पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, कलर भी बहुत ज्यादा अच्छे है, ये हमारे फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे एंड डार्क स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा है। हल्का सा ना हल्का सा इसमें चंकीनेस मुझे दिखती है, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, बहुत हल्की सी। इसके अलावा ना मैंने एक और पिछले मीशो वाले हॉल में शेयर किया था एक हाईलाइटर गोल गोल वाला, वो बहुत अच्छा है, आप इसकी जगह ना उसको ले सकते हो, बट आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो, बुरा नहीं है, काफी ठीक है। उसके बाद ही गाइज मेरे पास ये मार्स की बीबी क्रीम, स्किन परफेक्शन कलर करेक्टिंग बीबी क्रीम, इसमें मैंने ना मीडियम शेड मंगाया था लेकिन मीशो वालों ने मुझे फेयर शेड भेज दिया, दोबारा से मैंने रिप्लेसमेंट किया बट फिर से उन्होंने इसमें मुझे फेयर शेड भेज दिया, आई डोंट नो व्हाई। तो मेरे पास ना ये पहले भी थी मीडियम शेड में, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज ये ना एकदम स्किन लाइक फिनिश ये प्रोवाइड करती है। शेड आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा लाइट है, मैंने यही लगाया है इस टाइम अपने फेस पे, तो वो थोड़ा ऑक्सीडाइज हो गया है तो ठीक ठीक लग रहा है, बट ये बहुत लाइट शेड है। तो ये ना एक ड्यूई बीबी क्रीम है, हाइड्रेटिंग है, तो आपकी स्किन को ये ड्राई भी नहीं करती है, कवरेज ये आपको मीडियम तक दे देती है, काफ़ी अच्छी अच्छी कवरेज, ब्लेंड भी बहुत अच्छे से हो जाती है। उसके बाद है मेरे पास ये रोंजिला का नो मोर चैप्ड लिप्स लिप ग्लॉस, ये मुझे मीशो से मिला है 140 रुपीज में। इसकी पैकेजिंग ना गाइज आपको कुछ इस तरीके की मिल जाती है, बहुत चीप, यस बहुत सस्ती टाइप की पैकेजिंग लगती है, देखने में अच्छी लग रही होगी बट ये बिल्कुल प्लास्टिक की है, पैकेजिंग मुझे अच्छी नहीं लगी टू बी ऑनेस्ट, बट अंदर का जो लिप ग्लॉस है ये बहुत अमेजिंग है। आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस है बट इसके अंदर शाइन है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, 140 रुपीज़ के हिसाब से ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा ना ये थिकेस्ट कंसिस्टेंसी पे है, हल्का सा ज़्यादा नहीं, तो ये ना स्टे भी बहुत अच्छे से कर जाएगा, शाइन तो है ही इतनी ज़्यादा कमाल की, तो 140 रुपीज़ के हिसाब से बहुत अच्छा लगा मुझे ये। उसके बाद है मेरे पास ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा ना ब्यूटी ब्लेंडर का सेट, जिसका नेम है अर्बम मैक, और ये कुछ ऐसी वाली क्यूट सी पैकेजिंग में मिल जाता है। इसमें ना टोटल आपको मिल जाते हैं 4 ब्यूटी ब्लेंडर्स, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और जब इनको वेट कर लोगे ना तो ये और भी ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएंगे, अदरवाइज ये वाला टियर ड्रॉप में मिल जाता है, और ये चारों ही बहुत ज्यादा स्क्विशी एंड सॉफ्ट है, और जब आप इनको वेट कर लोगे ना पानी में तो ये और भी ज्यादा सॉफ्ट से हो जाएंगे, एकदम स्क्विशी से। सो या ये मुझे मिले हैं ओनली 140 रुपीज में, तो उसके हिसाब से ये बहुत ज्यादा क्यूट है, अलग से ना आपको इसको स्टोर करने के लिए भी कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी कंटेनर में रख सकते हो, आई लव दिस। उसके बाद है मेरे पास ये इनसाइड का प्रो कंसीलर पैलेट, जिसमें आपको मिल जाता है कंसीलर, करेक्टर एंड कॉन्टोर, और ये तो आपने देखी होगी, मैंने बहुत यूज की है, सेकेंड टाइम मैंने परचेज की है, स्पेशली मेरा ये जो पीच वाला करेक्टर है ना ये खत्म हो गया था, ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है ऑरेंज, अगर आपके डार्कनेस है तो आप इसको लगा सकते हो। इसके अलावा आपको इसमें ग्रीन करेक्टर, पर्पल एंड ये येलो हाइलाइटिंग कंसीलर मिल जाता है, कॉन्टोर मिल रहा है, कंसीलर मिल रहा है,
तो काफी अच्छी लगती है मुझे ये मल्टीटास्किंग पैलेट है, इसलिए मैंने इसको दोबारा से परचेज किया है। उसके बाद है मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का 2-in-1 आईब्रो एंड जेल आईलाइनर। इसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा लग्जूरियस मिल जाती है। तो ये है हमारा 2-in-1 जेल आईलाइनर एंड आईब्रो के लिए प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको छोटू सा मिरर मिल जाता है, बहुत क्यूट पैकेजिंग मिल जाती है। ये एकदम ना ब्लैक है, बट उतना ज्यादा भी पिगमेंटेड नहीं, पिगमेंटेड है मैं भूल गई थी, बहुत पिगमेंटेड है, बट जब जब आप इसको ब्रश के साथ फिल करोगे ना तो उतना पिगमेंटेडली नहीं लगता है। आप अपने प्रोडक्ट को ना हल्के हाथों से पिक करो एंड अपने आईब्रोज को फिल कर लो, यू गुड टू गो। बहुत अच्छी पैलेट है। उसके बाद है गाइज इसमें ये जेल आईलाइनर जो कि वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है, जेट ब्लैक है, सेकंड टाइम लिया है, कुछ तो बात होगी इसमें, तभी तो लिया है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ में ये वाला जो ब्रश आता है ना, ये बहुत अच्छा है, 2-in-1 है। एक साइड आपको आईब्रो के लिए मिल जाता है, यहाँ पे एक साइड से आप अपना जेल आईलाइनर लगा सकते हो। सो या बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है और बहुत ज्यादा काम का भी है। उसके बाद है गाइज मेरे पास ये ब्लू हेवन का लैश ट्विस्ट कर्लिंग मस्कारा। यू गाइज नो कि आपको सिर्फ 100 रुपीज में मिल जाता है, मैंने ये बहुत यूज किया है पहले भी, ये ठीक ठाक मस्कारा है अकॉर्डिंग टू द प्राइस, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है। उसके बाद है मेरे पास ये रेड कंपनी की मैट लाइटनिंग लिप कलर इन दी शेड 109 जो कि इस टाइम पे मैंने लगाया हुआ है। ये ना एकदम डीप बर्गंडी कलर है, बहुत अच्छा वाला पिगमेंटेड है ये, और बहुत ज्यादा क्रीमी बटरी स्मूथ फॉर्मुलेशन है इसका, ऐसा शेड है ये जो कि मैंने इस टाइम लगाया हुआ है, यही शेड मैंने लगाया हुआ है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं कर रही है मेरे लिप्स को, मैंने कुछ भी लिप बाम वगैरह नहीं लगाया उसके बाद भी काफी अच्छा है। और ये मुझे मीशो से मिली है ओनली 116 रुपए में। यस सो या गाइज ये था मेरा आज का बहुत ज्यादा धमाकेदार एंड ह्यूज मीशो मेकअप हॉल। आप सबको ये हॉल कैसा लगा मुझे कमेंट करके ना जरूर बता देना, और कौन से प्रोडक्ट्स आप सबको सबसे ज्यादा अच्छे लगे वो भी मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि ये ना मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है आपका फीडबैक जो आप अपने कॉमेंट में बताते हो, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ना प्रोडक्ट्स और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर पाती हूँ कि हाँ मेरे जो फैमिली है उसको ये पसंद आ रहा है, ये पसंद नहीं आ रहा। बाय द वे और कोई क्वेश्चन हो आपके तो कॉमेंट में पूछ लेना, और ये वीडियो कैसी लगी बता देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। लाइक किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना, वरना यार मुझे बहुत बुरा लगता है, तो प्लीज लाइक कर देना। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना एंड दुआओं में याद रखना। लव यू गाइज इन्ना 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 सारा, अल्लाह हाफिज़।